अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द राइट वे एकेडमी क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस एंड द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज अबाउट जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो स्टूडेंट्स आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज जीनोटाइप, उसकी टाइप्स क्या हैं और इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ एक टर्म है फिनोटाइप, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज जीनोटाइप। अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो ये हमारे पास स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है जीन्स का, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल्स। जीनोटाइप हमारे पास एक ऐसी टर्म है जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इंडिविजुअल्स में उनकी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बनता है ताकि जो ट्रेट्स हैं वो इंडिविजुअली शो हों हर ऑर्गेनिज्म में। और इसकी हमारे पास टू टाइप्स आती हैं नेक्स्ट। फर्स्ट टाइप है हमारे पास होमोजाइगस, और सेकेंड टाइप है हमारे पास हेट्रोजाइगस। और इन्हीं के बेस पे हमारे पास एलील्स फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट्स अगर हम जीनोटाइप के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है एल्बिनिज्म की। ये एक ऐसी कंडीशन है इन द ह्यूमंस बॉडी कि जिसमें नॉर्मली जो पिगमेंट्स होते हैं वो फॉर्मेशन नहीं हो रही होती उस पर्सन में जिसमें ये एल्बिनिज्म की डिज़ीज़ हो, यानी कि इस कंडीशन में नो पिगमेंटेशन, पिगमेंट्स नहीं बनते इन द बॉडी। अगर हम देखें कि किस तरह से जीनोटाइप परफॉर्म हो रही होती इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी, तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है। इसके हम ट्रेट्स को स्टडी करेंगे, लाइक हमारे पास टू ट्रेट्स हैं जिसको हमने, यानी कि ट्रेट्स भी हमारे पास अलील्स की फॉर्म में होती हैं, जो अलील्स होती हैं पेयर ऑफ जीन होती हैं। अब हमारे पास वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। अगर हम इन ट्रेट्स को देखें जो हमारे पास सेम हैं और कैपिटल हैं, यानी कि जो सेम अलील्स होंगी ट्रेट्स होंगी उन्हें हम होमोजाइगस कहेंगे, और हमारे पास जो डिफरेंट होंगी वो हमारे पास हेट्रोजाइगस होंगी। यहाँ पे हमारे पास स्मॉल भी सेम आ सकती हैं तो वो भी हमारे पास होमोजाइगस होंगी। इसी तरह ये हमारे पास एक स्मॉल और एक कैपिटल आती है तो फिर भी हमारे पास ये हेट्रोजाइगस कंडीशन ही होंगी। अगर हम इनके क्रॉस मैच देखें कि एल्बिनिज्म का अगर हम क्रॉस मैच देखें, क्योंकि ये हमारे पास रिसेसिव और डोमिनेंट ट्रेट्स की तरह के ये ट्रेट्स होते हैं, और अगर हम एल्बिनिज्म की बात करें तो ये हमारे पास रिसेसिव ट्रेट होते हैं। अब स्पेसिफिकली हमने यहाँ पे एल्बिनिज्म की एग्जांपल को डिस्कस करना है फॉर स्टडिंग द जीनोटाइप। तो ये हमारे पास हमने देखा कि ये एक इस ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास पिगमेंट्स फॉर्मेशन नहीं होती, तो इसमें हमारे पास जो पेयर ऑफ जीन्स होते हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे। पेयर ऑफ द जीन्स जो हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं। और अगर हम इनका क्रॉस मैच देखें, यानी कि ये हमारे पास ट्रेट्स हैं, तो अगर हम इनका क्रॉस मैच देखें, ये हमारे पास ट्रेट्स हैं अगर हम इसको इससे जो है वो मैच कराएं तो हमारे पास ये दोनों ही सेम ट्रेट आएंगे, और अगर हम इसको और इसको करवाएं तो ये हमारे पास इस तरह से आएंगे। नेक्स्ट अगर इन दोनों का क्रॉस मैच करवाएं तो ये हमारे पास ट्रेड आएंगे, ये हमारे पास दोनों जो हैं वो सेम ट्रेड होंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो रिसेसिव ट्रेड है, यानी कि ये हमारे पास इसमें हमारे पास जो है वो दोनों रिसेसिव ट्रेड आ रहे हैं, तब जो है वो हमारी बॉडी में एल्बिनिज्म की कंडीशन होगी। अब नेक्स्ट टू पॉइंट्स आते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट की बात करें,
तो जो डोमिनेंट होता है उसमें दोनों ही ट्रेड जो हैं वो कॉन्सिक्वेंस होते हैं, यानी कि प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं, और जो रिसेसिव ट्रेड होते हैं उसमें जो एक पेयर होता है, यानी कि पेयर में दो ट्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक ट्रेड होता है वो दूसरे पे डोमिनेंट होता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास रिसेसिव और डोमिनेंट ट्रेड कौन से हैं, ये हमारे पास दोनों जो हैं वो डोमिनेंट ट्रेड हैं। इसके बरक्स अगर हम ये वाला पेयर देखें तो ये हमारे पास एक डोमिनेंट है और ये हमारे पास रिसेसिव है, और ये भी हमारे पास डोमिनेंट ट्रेड है, बिकॉज़ कि ये डोमिनेंट है, एक अलील जो है वो डोमिनेंट है और दूसरी जो है वो रिसेसिव है, तो इसलिए ये हमारे पास दोनों, यानी कि ये वाला जो पेयर है ना ये डोमिनेंट होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों रिसेसिव ट्रेड हैं, तो इस तरह से ये रिसेसिव और डोमिनेंट ट्रेड जो होती हैं, जो यानी कि अपने आप को ज़्यादा शो कर दे, गालिबाज है दूसरे ट्रेड के ऊपर, उसे हम डोमिनेंट कहते हैं, और जो अपने आप को जाहिर ना कर सके उसे हम कहते हैं रिसेसिव ट्रेड। तो इस तरह से डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं में आ जाता है, कि जो जीन्स या जो करेक्टर्स शो हो जाएं वो डोमिनेंट होते हैं, और जो कंसिक्वेंस ना हो, इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, वो हमारे पास रिसेसिव ट्रेड्स होते हैं। इसी तरह अगर हम होमोलोगस और हेटरोजाइगस की बात करें, तो जो होमोलोगस होते हैं वो सेम पेयर ऑफ द जीन्स होते हैं, सेम पेयर्स ऑफ जीन्स। और अगर हम इसकी बात करें रिसेसिव हेटरोजाइगस की, तो वो हमारे पास डिफरेंट पेयर्स ऑफ द जीन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स टर्म आती है फिनोटाइप। अब जो हमारे पास फिनोटाइप है, ये एक्सप्रेशंस होती हैं जीनोटाइप्स के इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स, यानी कि जो ट्रेड्स हमें शो हो रही होती हैं किसी भी इंडिविजुअल में, वो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होते हैं जेनेटिकली फॉर्मेशन के थ्रू, तो वो होती है हमारे पास जीनोटाइप, जो कि हमें नज़र नहीं आती। और जो फिनोटाइप होते हैं वो ज़ाहरी तौर पर हमें नज़र आ रही होती हैं कि कौन से ट्रेड्स जो हैं वो किसी भी इंडिविजुअल में पाए जा रहे हैं। मीन्स टू से दैट कि फिनोटाइप हम उसे कह सकते हैं कि जीनोटाइप से जो ट्रेड्स आती है ना उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स पढ़ा, उनकी एग्जांपल और फिनोटाइप को डिस्कस किया। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।